हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू इंडियन एरा तो आपका ये ज्योग्राफी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ा था ठीक है सो आई होप सब लोग यहाँ पे आ गए होंगे सो so, फटाफट फटाफट यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ आवाज आ रही है ना मेरी कैन यू प्लीज रिप्लाई मी ऑन चैट इन चैट गाइज वॉइस आ रही है क्या हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर दैट इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। जस्ट सेकेंड गाइजी ऑन करो Okay. मैम प्लीज मराठी तो आ, आता मी मराठी मधे क्या आ, मैं अभी मराठी नहीं बोल सकती सच्ची नहीं बोल सकती ठीक है तो मैं हिंदी में ही बताऊंगी हिंदी और इंग्लिश मैम हिस्ट्री सेकंड चैप्टर हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन हाँ मैं लाइन टू मतलब एक्चुअली क्या है कि जो जो पहले इजी चैप्टर्स हैं एंड इम्पॉटेंट चैप्टर्स हैं वो मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ फिर उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा लेंदी है ठीक है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसीलिए मैंने अभी वो बाद में पढ़ाऊँगी ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट विद द जोग्राफी चैप्टर द वेरी न्यू चैप्टर तो नहीं है हमने ऑलरेडी तीन चैप्टर्स पढ़ लिए बट तो न्यू ही है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन इकोनॉमी इन ऑक्यूपेशन बोथ आर इंटरकनेक्टेड बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हमारी ऑक्यूपेशन है अगर वो ज़्यादा होगी वो अच्छी तरीके से ग्रो होगी सो एट द सेम टाइम हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी ग्रो होगा समझ में आ रहा है हम ऑक्यूपेशन मतलब होता क्या हम जो चीज़ करते हैं जो चीज़ कमाते हैं जो चीज़ खाते हैं एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया टर्शरी हो गया मतलब ये सारी चीज़ें होती है ठीक है तो हम क्या किस तरीके से कमाते हैं क्या करते हैं अगर देखो हमारी सैलरी कुछ थर्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी इकोनॉमिक अगर पर पर्सन की सैलरी फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड है तो वो हमारे जीडीपी जब हम उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके प्रोडक्शन से हमको पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है बढ़ रही है घट रही है फ्लक्चुएट हो रही है एवरीथिंग ठीक है so देखो यहां पे इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन ठीक है अभी यहाँ पे देखो आपने का मतलब होता है है ठीक अभी पे देखो ये सारी चीजें हैं फिगर में विच कंट्री ने टू थाउजेंड सिक्सटीन की बात करें हम लोग यहाँ पे तो कब से लेके कब तक कौन से कंट्री की ज्यादा ये थी अभी ये क्या है ये आपको यूएस ये जो ग्रीन मार्क है जो ग्रीन मार्क है वो क्या है यू है सो so, 2016 में कौन सी कंट्री का नेशनल इनकम था ज़्यादा हाई किसका था यू का किसका यू का ये है 2016 का ग्राफ नाउ कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील विच कंट्री हैड अ हाईअर नेशनल इनकम इन 1980 अभी देखो 1980 में किसका नेशनल इनकम ज्यादा था अगर हम ब्राजील और इंडिया की बात करें तो किसका नेशनल इनकम ज्यादा था 1980 में तो यहाँ पे देखो हल्का सा कौन बड़ा है ब्राजील ब्राजील का ब्राजील का ज्यादा है किसका है ब्राजील का 1980 में तो ऐसे आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ सकते हैं कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील इनकम इन टू अगर टू की बात करें ब्राज़ील और इंडिया को कंपेयर करते हुए ठीक है 2016 की बात करें हम लोग 1980 की बात की हम लोग ने कंपेयर किया ब्राज़ील और इंडिया को तो किसका इनकम ज़्यादा था ब्राज़ील का एंड नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग 2000 अगर आ, आ, किसकी 16 की बात करें तो कौन से आ, ये कंट्री का ज़्यादा नेशनल इनकम था कौन से कंट्री का था देखो यहाँ पे ये रेड कौन सा रिप्रेजेंट करता है इंडिया तो किसका ज़्यादा था इंडिया का समझ में सो so, ऐसे आपको क्या करना है ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ टेबल रिगार्डिंग द ओनरशिप टेबल रिगार्डिंग दिनरशिप ऑफ वेरियस इन बोथ दीज गि फिल द डिटेल्स रिगार्डिंग इंडिया एंड कम्प्लीट द टेबल अभी देखो यहाँ पे देखो क्लासीफाई देंगे कॉलम यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये है इंडिया का ये सेक्टर ये है ब्राज़ील ठीक है अभी देखो सेक्टर है क्या है बैंकिंग ये क्या है ब्राजील प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ रेलवे प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ एयरवेज दोनों है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दोनों है फिर आयरन इन स्टील लार्जी पब्लिक तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है अभी एक्टिविटीज अगर हम देखें तो ये जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है बी कीपिंग है तो आपको ये किस में डिवाइड करना है टेबल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया या प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे और इसको फिल करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं ठीक है सो so, यहाँ पे देखो तीन सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी समझ में आ रहा है एक एक चीज़ें प्राइमरी से स्टार्ट होती है देन सेकेंडरी तक कैसे पहुंचती है देन टर्शरी तक कैसे जाती है ठीक है जैसे कि गांव में गांव में कैसे काऊ काऊ का मिल्क निकालते हैं ठीक है वो मिल्क निकाल दिए हम लोग ने फिर उसको दूसरे तक बेच दिए दूसरे दुकान पर जाके बेच दिए ठीक है फिर वो दूसरे दुकान में बेचने के बाद वो एक अलग ही मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन गया अभी हमने सिर्फ प्राइमरी काम किया फिर सेकेंडरी उसको बेच दिया फिर टर्शरी में जाके वो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया वहाँ पे मिल्क बन रहे हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ठीक है और भी चीज़ें हैं बहुत सारे ऐसे मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं ठीक है तो वो बनना स्टार्ट हो गया फिर सिर्फ मिल्क ही पहले मिल्क बनता था अब उसको बेचा जाता था फिर अभी वो जो कंपनी स्टार्ट हुई तो वो मिल्क का दही बनने लगा एंड देन घी बनने लगा बटर बनने लगा ऐसे मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तैयार हो गई तो इसको बोलते हैं प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से लेकर टर्शरी तक सो so, यहां पे देखो ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री सो जैसे कि मैंने कहा कि अपने कंट्री का इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो कंट्री कैरिड करती है अगर हम एक घर से तीन लोग काम कर रहे हैं तो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है उनका पर एनम इनकम क्या होता है पर per पर्सन का इनकम क्या होता है वो सारी चीजें रिलेट करती जब हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है तो यू हैव लर्न दैट थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी समझ में आया सो तीन टाइप्स के इकोनॉमी होते हैं एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी Economic activities in Brazil and India in figure eight point two. The pie chart shows the contribution of each sector in the respective countries. GDP. GDP ka hai आपका gross domestic product. GDP kya hai aapka? gross domestic product. ठीक है एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज रीड बोथ दी पे देखो यहाँ पे देखो एक पाई चार्ट दिया हुआ है ठीक है एंड उसमें बताया गया है कौन सी कंट्री ने किस सेक्टर में कितना ग्रोथ किया हुआ है ठीक है देखो यहां पे ये क्या है आपका 8.2 फिगर है यहाँ पे क्या दिया हुआ है पाई चार्ट दिया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट कंट्रीब्यूशन जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2016 में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ था डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है विद इन इंडिया समझ में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो देखो यहाँ पे मतलब कंट्री में अभी ब्राजील में अभी देखो ये क्या ये क्या प्रेजेंट कर रहा है ठीक है अभी अगर ये ब्लू है जो ये ब्लू में मार्क है तो प्राइमरी है वो समझ में आया ये ऑरेंज में मार्क है तो वो क्या है अगर ये ऑरेंज में मार्क है तो वो क्या है सेकेंडरी ठीक है सेकेंडरी है अगर ये ग्रे में मार्क है तो ये क्या है टर्शरी है क्या है टर्शरी तो देखो आपने ब्राजील ने कितने कंट्रीब्यूशन किया था टू सेकेंडरी ऑक्यूपेशन उससे थोड़ा ज्यादा हुआ है कंपेयर टू प्राइमरी ऑक्यूपेशन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ज्यादा हुआ है ब्राजील में एंड यहाँ पे जो आपका टर्शरी ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है सबसे ज्यादा क्या हुआ है टर्शरी ठीक है ये टर्शरी ऑक्यूपेशन है समझ में आया देन उसके बाद इंडिया में देखते हैं इंडिया में देखो इंडिया में प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी उतना ही है देन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो थोड़ा ज्यादा है एंड देन टर्शरी ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा है तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें किसको अगर हम ब्राज़ील को और इंडिया को कंपेयर करें ठीक है अगर ब्राज़ील और इंडिया को हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि ब्राज़ील का टर्शरी ऑक्यूपेशन एंड इंडिया का टर्शरी ऑक्यूपेशन समझ में आ रहा है यहाँ पे देन उसके बाद परसेंटेज एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स सो so अभी ये परसेंटेज है यहाँ पे टर्शरी का इतना है तो ये क्या है सेकेंडरी का ये प्राइमरी का इतना है फिर सेकेंडरी का इतना है तो ये सारे पाए चार्ट हमको बताते हैं कि कि 2016 में कौन से कंट्री ने कितना आ, मतलब कंट्रीब्यूट किया है कौन से सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर में है कि ज़्यादा सेकेंडरी में है या ज़्यादा टर्शरी में है तो विद द हेल्प ऑफ पाए चार्ट वी कैन एनालाइज कि कौन से कंट्री ने ज़्यादा किस पर ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है किस सेक्टर में ना देखो यहाँ पे ऐसे हम ऐसे ये चार्ट आपको दिए रहेंगे ठीक है ना विच कंट्री नीज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज ठीक है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग उसका परसेंटेज देख सकते हो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है क्वेश्चन आंसर ये करना है जहां पे आप लोग इतना तो पाई चार्ट में देख ही सकते हो कि कौन से कंट्री का कितना जीडीपी है कौन से कंट्री का कितना पॉपुलेशन इन्वॉल्व है किस चीज में प्राइमरी में कि सेकेंडरी में कि टर्शरी में लोग ज्यादा किस में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं ठीक है तो पाई चार्ट के थ्रू आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं नाउ यू कैन सी यूनाइटेड स्टेट इज अ डेवलप्ड कंट्री आम देखो हम अमेरिका को यूएस को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है जो डेवलप्ड हो चुका है एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री वो डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है हर एक फील्ड में द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज़ वेल एडुकेटेड सो जितनी भी पॉपुलेशन है इस कंट्री में अमेरिका में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एडुकेटेड है दिस कंट्री हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ दिस कंट्री इज फार अहेड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन द टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटल इनकम सो देखो ये जो यूएस है वो ब्राज़ील और इंडिया को पीछे छोड़ते हुए आगे है पर कैपिटल इनकम वो लोग का ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड ब्राज़ील देखो इंडिया एंड ब्राज़ील आर डेवलपिंग कंट्रीज अभी इंडिया एंड ब्राज़ील क्या है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है डेवलप्ड नहीं हुई है अभी डेवलप हो रही है दिस कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एडुकेशन एंड इंडस्ट्री एंड ये जो है इंडिया एंड ब्राज़ील वो है डेवलपिंग कंट्री एंड स्टिल दे आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड्स ऑफ एडुकेशन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों में द नेशनल पर कैपिटल इनकम ऑफ द कंट्रीज इज लो अभी देखो जितने भी नेशनल पर कैपिटल इनकम है नेशनल पर कैपिटल इनकम तो एक लोगों का इनकम पर कैपिटा इनकम सो वो क्या है बहुत ही ज्यादा लो है इंडिया पर कैपिटल इनकम सीन्स टू बी इवन लोअर एज इंडिया साइज इज वेरी लार्ज अभी देखो भले ही इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में भर भर के लोग हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो एक एक लोगों की जो इनकम है वो कहीं ना कहीं क्या है बहुत ही ज्यादा कम है देखो इन दे फिगर एट पॉइंट वन इन द फिगर एट पॉइंट वन वी सॉ दैट इंडिया हैज हायर नेशनल इनकम देन ब्राजील हमने एट पॉइंट वन में देखा कि इंडिया जो है इंडिया के पास नेशनल इनकम क्या है ज़्यादा है ब्राज़ील के कंपेरेटिवली सो ब्राज़ील इज वन ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स ऑफ माइनिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज़ अ स्ट्रांग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर तो ज़्यादा करके जो ब्राज़ील है वो सर्विस सेक्टर में अपना रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहा है डे टू डे सर्विस सेक्टर में समझ में आ रहा है आपको भले ही नेशनल इनकम किसका ज़्यादा हो इंडिया का ज़्यादा हो बट ब्राज़ील भी पीछे नहीं है समझ में आया देखो हर एक कंट्री में अपना अलग अलग ही आ, चीज़ प्रोग्रेस हो रही है किसी के यहाँ कुछ कम है तो किसी के यहाँ कुछ कम है इसीलिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है अगर इंडिया में कुछ कम है तो वहाँ से इम्पोर्ट होगा फिर वहाँ से इंडिया में कुछ कमी आ रही है तो वहाँ को वहाँ के लोगों कुछ एक्सपोर्ट करेंगे समझ में आ रहा है ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर दो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया देखो भले ही सर्विस सेक्टर इंडिया में बढ़ रहा है तो भी कहीं ना कहीं इंडिया एग्रीकल्चर पर डिपेंड है बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भले ही वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो ठीक है Like the India economy, the Brazilian economy is also mixed economy. Both the Indian and Brazilian economies are developing economies. So, देखो जैसे कि Indian economy है वैसे ही Brazilian economy है and both दोनों दोनों जो economy है मतलब दोनों country की जो economy है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है देयर पर कैपिटल इनकम आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज लाइक द यू एस ए सो देखो यू एस ए में भी देखो डॉलर्स में पैसे आते हैं उनके कुछ भी होती है चीज़ें तो वो क्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है बट यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील में क्या है एज़ कम्पेयर टू यू एस इंडिया और ब्राज़ील की जो पर कैपिटल इनकम है वो क्या है अभी भी कम है यू एस के अकॉर्डिंग इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो इंडिया एज अ हायर नेशनल इनकम एज कम्पेयर टू ब्राजील द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इज लोअर देन ब्राजील सो देखो यहां पे सोचो कितनी सोचने वाली बात है भले ही इंडिया का पर कैपिटा इनकम ब्राजील से क्या है ज्यादा है देखो यहां पे बोला है कि हायर नेशनल इनकम एज कम्पेयर टू ब्राजील द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लोअर देन अभी देखो भले ही इंडिया में हायर नेशनल इनकम है ठीक है ब्राजील से ज्यादा इनकम आ रही है पर जो पर कैपिटा इनकम लोगों की है वो कहाँ ज्यादा है ब्राजील में और इंडिया में क्या ज्यादा है हैश नेशनल जो कि हायर नेशनल इनकम है वो इंडिया की ज्यादा है बट जो पर कैपिटा इनकम है वो ब्राजील की ज्यादा है सो यूज द फॉलोइंग टेबल एंड अ पॉलीग्राफ वाइल द हेल्प ऑफ कंप्यूटर देखो यहाँ पे सो so, यहाँ पे यू कैन इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज कॉफी मेनली प्रोड्यूस ये सारी चीजें क्या है वो आपको बाद में पता चलेंगी ये हम लोग ने पढ़ लिया ठीक है एंड वी हैव स्टार्टेड दिस ऑल्सो अभी देखो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ठीक है इन ब्राज़ील एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन हाईलैंड एंड कोस्टल एरियाज सो देखो जो महा माउंटेन पे पहाड़ों पे रहते हैं या फिर जहाँ पे जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ पे कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है कि लोग यहाँ से जाके कहीं दूसरे जगह जाके कमा सके तो उनकी ज़्यादा उनका मेन फोकस किस पे होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे दैट इज़ नथिंग बट योर एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग अ वराइटी ऑफ क्रॉप्स सो देखो खरी क्रॉप्स रबी सीजन खरी सीजन ये सब जो सीजनस आते हैं वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए होते हैं कभी आपने सोचा है कि मतलब कि हम आ, जो भी है ठंडियों में ही क्यों सरसों का खेत होता है या फिर और भी चीज़ें जो होती है वो ठंडी में ही क्यों होती है ऐसा कभी सोचा आपने बिकॉज हर एक क्रॉप्स का ग्रो होने का एक सीज़न होता है हम साथ में सब कुछ ग्रो कर देंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पर डिपेंड करती है कि कौन सा क्रॉप्स कब ग्रो होगा राइस एंड मेज आर द मेन सीरियल क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ मेज इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट द कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफी कोको रबर सोयाबीन एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल सो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड सो यहाँ पे देखो बहुत से सोयाबीन हो गया कॉफ़ी हो गया शुगर केन ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स मतलब वेराइटी ऑफ चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बट जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी और सोयाबीन का एक्सपोर्टर है समझ में आप पूरे वर्ल्ड में द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफी आर माइनस गेरिस एंड सो पोलो बिस क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना पाइन ऐप्पल ऑरेंजेस एंड अदर सीट्रेस इज ऑल्सो डन कैटल्स एंड शेप एंड गोट्स आर ऑल्सो रेयर इन दवंदा ग्रासल इन द साउथ कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसड इन अ लार्ज स्केल सो देखो फ्रूट्स के अलावा कॉफी एंड शुगर के इनके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं वहाँ वो भी लार्ज स्केल में प्रोड्यूज होते हैं कहाँ पे ब्राजील में देखो यहाँ पे माइनिंग माइनिंग हो गया यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं प्रिपेर टेबल प्रोडक्ट्स रीजन्स ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मैप है ब्राज़ील का ठीक है ब्राज़ील का मैप है अभी यहाँ पे देखो अगर आपको ऐसी सारी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ये क्या है ये कॉफ़ी बीट्स है क्या है कॉफ़ी बीट्स आपको यहाँ पर दिखता होगा है ना तो सैन फ्रांसिस्को रिवर यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखो ये हो रही है देन ये क्या है ये राइस है राइस राइस ग्रो हो रहा है ये कौन है ठीक है शुगर केन यहाँ पे है देन कोका 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 यहाँ पे है ठीक है रबड़ हो गया ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे पाई जाती है बनाना बनाना कहाँ पे है यहाँ पे है फिर ऑरेंज है ऑरेंज देखो फिर सोयाबीन ये सोयाबीन समझ में आए सो so, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं माइनिंग के मैंगनीज बॉक्साइड आयरन कोर जो हम खोद के निकालते हैं एनिमल हजबेंड्री हो गया फिशरीज हो गया ठीक है अभी जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा ओशंस हैं वहाँ पे फिशिंग ही होगा The eastern part of Brazil rich in various types of minerals like iron or manganese, nickel, copper, bauxite, tungsten, diamonds etc. Inaccessibility, lack of knowledge of potential reserves of resources, dense forest etc. are factors which have led to limitations. अभी देखो वहाँ पे ज़्यादा करके खेत कुवारी नहीं है, या फिर वहाँ पे dense forest area है, but फिर भी mining के resources वहाँ पे ज़्यादा है, iron होगा, copper होगा, bauxite होगा, tungsten होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है? Minerals वगैरह है ज़्यादा वहाँ पे

यहाँ पे देखो इनलैंड फिशिंग इज नॉट डेवलप इन ब्राज़ील दो देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स इन ब्राज़ील कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन देखो इनलैंड फिशिंग इज नॉट डेवलप इन ब्राज़ील ठीक है फिर भी वो लार्ज नंबर देखो रिवर तो बहुत ज्यादा है बट फिशिंग में वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे बट क्यों नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे देखो पिक्चर्स दिखाए हुए हैं देखो कौफी, कौफी ये कॉफी कॉफी के ये हैं ठीक है ये चाय पत्ती हो गया ये सब हो गया ठीक है यहाँ पे देखो लोग खेती कर रहे हैं हम देखो गांव में जाते तो देखते हैं ना सारी चीजें ब्राजील हैज सी कोस्ट ऑफ अराउंड सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट

सोवर्ट फि एंड सैडनेस आर मेनली कॉल्ड। द फिश रिसोर्स ऑफ एमेजोन रिवर आर नॉट एक्सप्ल फिशिंग ओनली टेक प्लेस ऑन स्मॉल स्केल सो यहाँ पे फिशिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्केल पे पाई जाती है मतलब ज़्यादा तरीके से नहीं कि मेरा ये ऑक्यूपेशन है फिशिंग ये बहुत लार्ज ऑक्यूपेशन है ऐसा कुछ भी नहीं है ब्राज़ील में ठीक है बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है सो so, यहाँ पर देखो अनलाइक ब्राजील इंडिया इंडियाल्चर कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन मोर टू वर्ड जी डी पी एंड ऑल्सो इंगेज चंक ऑफ पॉपुलेशन अराउंडी परसेंट ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन देखो यहाँ पे इंडिया में सिक्सटी परसेंट जो लैंड है साठ परसेंट जो जमीन है वो अंडर कल्टीवेशन है वहां पर खेती बाड़ी होती है इट्स ए एक्सपांस ऑफ लेवल प्लेन्स रिच सॉइल्स हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड वाइड क्लाइमेटिक वराइटी लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एक्सेट्रा प्रोवाइड एड स्ट्रॉग बेस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी ऑब्वियसली आप पंजाब देख लो यूपी देख लो हरियाणा देख लो चंडीगढ़ देख लो और भी केरला साइड चीजें देख लो बहुत एकदम भर भर के लोग खेती करते हैं एग्रीकल्चर बहुत ही वास्ट है इंडिया में एंड वो स्टिल डेवलप करता है अपने सेक्टर में इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सबसिस्टेंस टाइप इंडिया प्रोड्यूस राइस वीट मेस सॉर्गम एंड मिलेट्स एज मेजर फूड क्रॉप प्लांटेशन ऑफ टी कॉफी रब्बर एंड कैश क्रॉप लाइक शुगर केन कॉटन जूट एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूसड इंडिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सो जैसे कि ब्राजील कॉफी रबर ये सब प्रोड्यूस करता है वैसे ही इंडिया भी करता है एंड एट द सेम टाइम लार्ज नंबर ऑफ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो इंडिया भी प्रोड्यूस करता है समझ में आ रहा है अब देखो फिशिंग की बात करते हैं इंडिया में फिशिंग कैसा है फिशिंग इन इंडिया फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया फिशिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था हर एक का अपना अपना है ग्रोथ ऑफ टूवर्ड्सोनॉमी इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशर्स हेल्प इन एंग्यूमेटिंग फूड सप्लाई जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल एंड अर्निंग फॉरन एक्सचेंज समझ में आ रहा है यहां से वो लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें वहाँ से जो पैसे आते हैं वो भी एक तरीके का उनका इनकम बेस बन चुका है फिशर्स जाते हैं फिशिंग करते हैं अलग 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 टाइप के फिश वहाँ से लेकर आते हैं एंड उसको बेचते हैं फिश फॉर्म्स एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज केरला वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गोवा एंड महाराष्ट्र इंडिया हैज़ अबाउट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन देखो कोस्टल लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा फिश अब वेस्ट बंगाल में जाओगे बंगाली लोग मच्छी भात है एंड देन उसके बाद हर एक उनका अलग अलग क्या है मतलब चीजें हैं जो फिश के अकॉर्डिंगली वो अपना मतलब जितने अलग अलग टाइप के फिश होते हैं या जो भी होता है वो उनको अपना चीज, मतलब फिश खाते हैं वो लोग जो भी है मरीन फिशिंग अकाउंटिंग फॉर अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड बीइंग कन्फाइंड टू कोस्टल वाटर इन द वेस्ट फ्रॉम कच्छ मालाबार कोस्ट टू कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट सो मेजर फिशेज आर सैड इनल बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स ऑन द ईस्टर्न द इंपॉर्टेंट फिश आर हॉर्स मैक्रीड्स एंड सिल्वर बेलीज। सो देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग फिश के नाम बताए गए हैं अलग अलग जगहों पे। सो so, देखो यहाँ पे फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरियड इन रिवर कैनाल्स इरिगेशन चैनल्स टैंक्स पॉन्ट लेक एक्सेट्रा सिल्वर वैलीज चोपड़ा एक्सेट्रा आर मेजर फ्रेश वाटर वेराइटीज अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्राम इनलैंड फिशरीज समझ में आए तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट जो फिशर्स है फिशिंग करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ माइनिंग इन इंडिया माइनिंग इन इंडिया देखो क्या है द छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया इज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स जो छोटा नागपुर है वो क्या है बिग सोर्स ऑफ क्या है स्टोर हाउस है मिनरल्स के माइनिंग इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल दे

स्टोन्स लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान एंड कूड इन द आंध्र प्रदेश सो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उनका ऑक्यूपेशन है जो जिसमें खुश हो रहा है ऑक्यूपेशन करने के लिए जहाँ पर फर्टाइल लैंड मिल रहा है एग्रीकल्चर कर रहे हैं जहाँ पर कोस्टल लाइन्स है फ़िशिंग कर रहे हैं जहाँ पर अच्छा उनको खुदाई करने के लिए मिल रहा है माइनिंग करने के लिए मिल रहा है वो लोग वहाँ पर मिनरल्स बना रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं ठीक है ये सारी चीज़ें होती है ना देखो इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन स्टील एंड प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल असेंबली पेट्रोलियम प्रोसेसिंग केमिकल प्रोडक्शन एंड सीमेंट मेकिंग टेक्नोलॉजिकली बेज इंडस्ट्रीज हैव बीन द मोस्ट डायनामिक इन रीसेंट एयर्स ये जी ये जो सारी चीज़ें हैं मैन्यूफैक्चरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें की और बढ़ती चली जा रही है एंड इनका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है देखो यहां पे बट हैव नॉट आउट स्पेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड वेल सो देखो सिमिलरली वैसे ही जो फूड प्रोसेसिंग है शुगर इंडस्ट्री है देन कॉटन टेक्सटाइल ये लोग भी अपने अपने एरिया में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हैं नाउ मोस्ट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ एंड साउथ इज द नॉर्थ इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील अभी देखो जो नॉर्थ ईस्ट है ब्राज़ील में वो बहुत ही पुअर पार्ट है ब्राज़ील का बिकॉज वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी नहीं होती है कुछ ऑक्यूपेशन नहीं है उनका ठीक है सो इसलिए बट इट इज बिगिनिंग टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट बट यहाँ पे अच्छी तरीके से नई नई चीजों को बता के इन्वेस्टमेंट हो रही है ये देखो लोगोस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज क्या है ये उनका लोगो है ठीक है आपने देखा होगा ओ एन जी सी ओ एन जी सी देखा है आपने मुंबई इंडिया की बात कर रही हूं मैं समझ में है देन आर सी एफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड ये सारी चीजें हैं समझ में आ रहा है तो ये सारे क्वेश्चंस भी है जिसमें आपको आंसर कर सकते हो यह देखो अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज दिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अन ईवेन ठीक है उनका कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे फिक्सड नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करना की यह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है दिस इज सो पार्टली सो ऑन अकाउंट ऑफ इवन अनब्यूशन ऑफ द नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड पावर रिसोर्सेज आर पार्टली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर नेसेसरी कंडीशन इन लार्ज टाउन तो इट डिपेंड्स कि किसका क्या बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है किसका किस चीज़ में ग्रोथ हो रहा है तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट इज नॉट फिक्स्ड झारखंड उड़ीसा एट जॉइनिंग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पार्ट्स ऑफ राजस्थान कर्नाटका एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ़ द रिजर्व्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स सो so ये सारी चीज़ें किसके लिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटेलिक मिनरल्स के लिए ठीक है ये एरिया ये स्टेट

Availability of large quantities of coal and refractory material, along with cheap power from the Damodar Valley Corporation and number of thermal power projects, have added. So ये सारे तो thermal power project चलता है, ठीक है? वो बहुत सारे ऐसे number of production धीरे-धीरे क्या हो रहे? Add होते चले जा रहे हैं। तोड़ा advantages, ठीक है? राजस्थान हैज कॉपर लीड एंड जिंक स्टील हैल्यूमोनियम एंड तमिलनाडु हैज एल्यूमोनियम मेटल इंडस्ट्री तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन स्टेट बताया गया है ठीक है सो राजस्थान क्या है जिसमें कॉपर एंड लीड एंड जिंक में कर्नाटक का स्टील एंड मैंगनीज एंड एल्युमोनियम देन तमिलनाडु का एल्यूमोनियम एंड मेटल इंडस्ट्री सो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं एग्रोबेज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है इंक्लूडिंग कॉटन जूट एंड शुगर आर हैविली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया ठीक है देन जब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है इंक्लूडिंग पेपर प्लाईवुड मैच इस हम लकड़ी लेके आते हैं बेंच बनाते हैं रबड़ लेके आते हैं कॉटन है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सो रीजन एंड लैक आर फॉरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला इज अवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉर कोपरा एंड फिश इंडस्ट्रीज ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ की फॉर्म होती है झारखंड ओरिशा एंड ज्वाइनिंग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पार्ट ऑफ राजस्थान कर्नाटक एंड तमिलनाडु कॉन्ड रिजर्व मेटेलिक मिनरल नहीं ये तो हमने पढ़ लिया ये तो पढ़ लिया ना हमने यहाँ पे ये सारी चीजें इधर सॉरी <tip> देखो यहाँ पे <tip> कोयली दिग्बोई नूनमती एंड बोंग रेफ आर सिचुएटेड क्लोज पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज़ एंड मथुरा एंड बरोनी रिफर इंटीरियर अवे फ्रॉम कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग तो जैसे कि हम लोग ने देखा एग्रीकल्चर हो गया फिर फिशिंग हो गया माइनिंग हो गया इंडस्ट्रीज so, है ऑयल भी तो आना चाहिए कहीं ना कहीं से तो so, हर एक स्टेट में हर एक तरीके से अपना अपना एक इंडस्ट्रीज है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो हाईलीशन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल गुजरात राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस द बल्क ऑफ सॉल्ट इन द कंट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस कंज्यूमर तो इंडस्ट्रीज़ विच शोड लिटिल ब्याज फॉर रॉ मटेरियल हैव कम अप ऑल ओवर कंट्री विथ हैवियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नियर बिग सिटीज़ सो देखो अभी अभी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ रही है कि बड़े बड़े शहरों में इतनी इंडस्ट्रीज वास्ट हो चुकी है कि वो धीरे धीरे अब ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है सो so अगर इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा यू कैन सी हियर एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड है कितना कौन से ईयर में हुआ इंडिया में कब हुआ ब्राजील में कितना हुआ ये सारी चीजें हैं आप देख सकते हो ये मैप देख सकते हो यहां पे देखो ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट ब्राज़ील मेनली एक्सपोर्ट आयरन और कॉफी कोको कॉटन शुगर जैसे देखो हम लोगों ने मैप में देखा हुआ था टोबैको ऑरेंजेस है बनानाज है वाइल्ड इट इम्पोर्ट मशीनरी केमिकल प्रोडक्ट फर्टिलाइजर वीड हैवी व्हीकल मिनरल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स ठीक है सो मेजर ट्रेडिंग मेजर ट्रेडिंग पार्टनर आर जर्मनी यूएसए, कनाडा, इटली अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया तो जितना ये लोग का जो जहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसका मेजर ट्रेनिंग ये लोग के साथ होता है ये ये कंट्री के साथ जर्मनी यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया ये सारी चीज़ों के देखो हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तभी चीज़ें हम ले सकते हैं एंड दे सकते हैं समझ में आ रहा है देखो ब्राज़ील का ट्रेड है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जी डी पी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ट्रेड इन जी डी पी अभी देखो ये क्या है ब्राज़ील का ट्रेड और ये है इंडिया का सो so, ब्राज़ील को देखो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है और इंडिया भी कैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है समझ में आ रहा है ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि कब चीज़ें ऊपर से नीचे जा रही है फिर नीचे से ऊपर आ रही फिर कम नीचे आ रही है ऐसी चीज़ें आपको प्रेजेंट करती है एंड शो करती है देखो यहाँ पे इंडियन कंपनी सेटअप इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑल ओवर ब्राजील एंड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ कैपिटल द इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सच सेक्टर्स एज आई टी एनर्जी एग्री बिजनेस माइनिंग इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स सो इंडियन कंपनीज ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इन्वेस्ट किया है ये ये फील्ड्स में ठीक है ताकि ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा तरीके से हो सके ना कि सिर्फ एक फील्ड में, कही कही में। बट कई कई फील्ड में ब्राजील फुटप्रिंट प्रिंट इंडिया इज स्मॉलर बट इंपॉर्टेंट द ब्राज़ीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स आई टी माइनिंग एनर्जी बायोफ्यूल्स फूटवेयर सेक्टर्स इन इंडिया सो ठीक है तो ब्राज़ीलियन कंपनीज ने इन्वेस्ट ऑटोमोबाइल्स में आई टी माइनिंग सो इंडिया कंपनी में ये सारे सेंटर्स ऑल ओवर इन्वेस्ट किए हैं एंड ब्राज़ील ने ये इसमें समझ में आ रही है चीज़ें तो ये है हमारा इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन हम जितने ऑक्यूपेशन प्राइमरी हो गया टर्शरी हो गया सेकेंडरी हो गया ये सारी चीज़ों के वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं और ये बहुत ही बेसिक है अगर आपको कोई भी पूछा कितने टाइप्स के ऑक्यूपेशन सेक्टर्स होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर्स है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विस सेक्टर समझ में आ रहा है तो इसमें सिर्फ क्या करना है आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं यहाँ पे देखो इम्पोर्ट फ्रॉम ब्राजील एंड एक्सपोर्ट टू ब्राजील अभी इतना इम्पोर्ट अभी अगर ये मार्क आया ठीक है अगर ये मार्क आया, आया तो ये है ब्राजील का ब्राजील का इम्पोर्ट करना एंड ये मार्क आया तो एक्सपोर्ट कितना हुआ तो देखो ब्राजील ने कितना एक्सपोर्ट हुआ है ठीक है एंड कितना इम्पोर्ट हुआ है ये फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक जाता आता रहता है समझ में आया 2009 में 10 में कितना कहाँ कहाँ पे कभी कभी ऐसा हुआ है समझ में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं तो देखो यहाँ पे ये जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है सब आपको टेक्स्ट बुक के पीछे से करना है वेदर इट इज़ योर जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री समझ में आ रही है तो आपका ये एट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है हमने जोग्राफी के चार चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है एंड अभी कुछ चार या पांच बाकी हैं तो वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे हिस्ट्री के भी कुछ चार पांच चैप्टर्स है वो भी मैं कंप्लीट कर लूंगी ऑलरेडी तीन कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है सो नो नीड टू वरी फॉर एनी थिंग आई एल बी देयर फॉर यू जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लिखना है कैसे नहीं लिखना है एंड क्या लिखना है एंड क्या नहीं लिखना है वो भी बताऊंगी मैं नहीं तो आप कुछ भी लिख के मत आना ठीक है एंड कुछ भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना इन ऑन दिस संडे आई एल गोइंग टू मेक अ वीडियो लाइव होगा या फिर वो रिकॉर्डेड होगा कुछ तो होगा ठीक है बट होगा ज़रूर तो यही कि इसी के साथ हम अपना जो एट्थ चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन कौन से ज्योग्राफी में आपको चैप्टर स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है सो प्लीज़ पेशेंस रखो और डिसिप्लिन तरीके से हार्डवर्क कीजिए सारी चीज़ें अपने अपने लाइफ में बैलेंस करके चलिए ठीक है सो थैंक यू वेरी मच गाइज आई होप जितनी चीज़ें मैंने आज बताई है आपको समझ में आया होगा सो प्लीज सपोर्ट अस गाइज एंड थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर मैम आपके बाल से ना पीछे का बोर्ड गिर रहा था चुप रहा था इन करने के बाद पूरा